हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज जो हम क्राफ्ट बनाने वाले हैं वो सिर्फ बॉल पुट्टी के डो से बनाएंगे। बॉल पुट्टी का परफेक्ट डो कैसे बनाते हैं मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपका बॉल पुट्टी का डो अच्छी तरह से बनेगा तो आपके क्राफ्ट में किसी भी तरह का क्रैक्स नहीं आएगा। बॉल पुट्टी का डो बनाने के बाद हम इसे गीले तौलिए या एक गीले कपड़े में लपेट के रख देते हैं और इसे हम 3 से 4 घंटे तक आसानी से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम दो इस तरह के मोटी कागज के टुकड़े लेंगे और इसके दोनों साइड को सेलो टेप की हेल्प से चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद इसके बीच में जो होल है उसमें कागज के टुकड़े को भरेंगे और इसके एक सिरे को हम सेलो टेप की हेल्प से बंद कर देंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी बॉल पुट्टी लेंगे और इसे हाथों से फैला लेंगे। आप इसे बेलन की हेल्प से बेल भी सकते हैं। दोनों साइड पे रख के इसे अच्छी तरह से चिपका लेंगे और पानी की हेल्प से स्मूथ करेंगे। स्मूथ करने के बाद इस पे हम कुछ डिटेलिंग करेंगे और इसे अच्छी तरह से सूखने के लिए रख देंगे। ध्यान दें कि आप जो इस पे परत चिपकाएंगे वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। अगर आपकी परत मोटी नहीं रहेगी तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगी। जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तब जो हमने इसके अंदर कागज भरे हैं वो सारे कागज निकाल लेंगे। फिर हम पेंसिल की हेल्प से अपनी मनपसंद डिजाइन बना लेंगे और उस डिजाइन को बॉल पुट्टी से बनाएंगे। यहाँ पे बॉल पुट्टी को चिपकाने के लिए मैंने बॉल पुट्टी के गाढ़े घोल का यूज किया है। आप इसे फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं। मैंने कटर की हेल्प से कुछ पत्तियाँ और कुछ फ्लावर बनाए हैं। इन पत्तियों और फ्लावर को मैं इस पे चिपकाऊंगी। चिपकाने के बाद इसे सूखने के लिए रख दूंगी। जब ये प्रॉपर सूख जाएंगे तब मैं इसे कलर करूंगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। फ्रेंड्स, हमारा क्राफ्ट बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही कम खर्च और बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। इसमें मैंने अपने टूल्स रखे हैं, आप इसमें अपने पेंसिल, पेन, ब्रश कुछ भी रख सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपना प्यार मुझे देते रहिए और मैं इसी तरह से बजट फ्रेंडली क्राफ्ट लाती रहूँगी। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।